पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मौजूद है, जो हर घंटे इतनी ज्यादा कमाई करते हैं कि इतनी कमाई कोई आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाता। कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी की जेब से 2000 का नोट कहीं पर गिर जाए तो उसे उठाने में जितना वक्त खर्च होगा उतने में वो 50,000 से ज्यादा रुपए कमा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेख, जिनकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे कार हो या फिर टट्टी करने के लिए बैठने वाला कमोड, उनके पास हर चीज सोने की बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दुबई के शेख में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? इन दोनों में से कौन है ऐसा जिसके अंदर पैसे की गर्मी सबसे ज्यादा है? मुकेश अंबानी और दुबई के शेख में से कौन है वो एक जिसकी कमाई का पलड़ा भारी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों की कमाई और इनके होने वाले खर्चे और इनकी दौलत शोहरत का हर एक चीज के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, अपना मुकेश अंबानी या फिर दुबई का शेख। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मनी, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही शख्स के पास मौजूद पैसों के हिसाब किताब की। इसी वर्ष 2021 में मशहूर वेबसाइट फोर्ब्स ने दुनिया भर के करोड़पतियों की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी के पास 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे मौजूद है। इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी के पास जो पैसा है वो 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दुबई के शेख की, तो उनके पास इतना ज्यादा पैसा मौजूद है कि इसके बारे में किसी को भी मालूम ही नहीं है। एक बार की बात है जब मशहूर वेबसाइट फोर्ब्स ने बताया कि दुबई के शेख के पास 28 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। दुबई के शेख इसके बाद तुरंत ही उस वेबसाइट की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मेरे पास जितना उन्होंने बताया है उससे 10 गुना से भी ज्यादा पैसा मौजूद है। इसी वजह से उस मशहूर वेबसाइट की दुनिया में बहुत ही आलोचना हुई और आगे से उस वेबसाइट ने दुबई के शेख को अपनी लिस्ट में शामिल करना ही बंद कर दिया। और यही वजह है कि दुबई के शेख के पास आज के वक्त में कितना पैसा मौजूद है, ये एक रहस्य है और इसके बारे में दुबई के शेख के अलावा किसी को भी नहीं मालूम। कार कलेक्शंस, कार और प्राइवेट गाड़ियां एक ऐसी चीज है जिसे देखकर लोग किसी की अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। ऐसे में अगर बात इन दोनों ही करोड़पतियों की जाए और इन दोनों के पास मौजूद कार कलेक्शंस की करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के पास, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर रखते हैं, उनके 6 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी कार्स को रखने के लिए बनाए गए हैं। मुकेश अंबानी के घर में इस वक्त 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस कार्स मौजूद हैं, जिसमें दुनिया की महंगी से महंगी कार शामिल हैं। अगर आपको दुनिया की सबसे महंगी कार्स देखनी है तो आप मुकेश अंबानी के घर में जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेखों की अगर हम बात करें तो दुबई के शेखों के घर पर भी 100 से ज्यादा लग्जूरियस कार्स मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दुबई के शेख के पास जो गाड़ियां मौजूद हैं, उनमें से अधिकतर ऐसी हैं जो कि पूरे की पूरी शुद्ध सोने से बनाई गई हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनमें से कुछ लग्जूरियस कार्स ऐसी हैं जिसे स्पेशली दुबई के शेख के लिए ही तैयार किया गया है और उस पर हीरे जड़े हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई के शेख के अंदर पैसे की कितनी ज्यादा गर्मी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में दुबई के शेख ने एक पसंदीदा नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। हाउस, अब अगर बात करें इन दोनों ही करोड़पतियों के घर की, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर मौजूद है, जिसकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 मंजिल की इस इमारत में 6 फ्लोर तो सिर्फ और सिर्फ कार की पार्किंग के लिए हैं और सिर्फ इस घर में 4 लोग ही रहते हैं और उन चारों लोगों की देखरेख के लिए इस घर में 600 से ज्यादा नौकर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के इस घर में मंदिर, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, हेलीपैड, हर एक चीज मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दुबई के शेख के घर की, तो उनके घर की भी रईसी किसी से कम नहीं है। इनके पास 300 मिलियन डॉलर का एक बहुत ही बड़ा महल है जिसमें इनकी रॉयल फैमिली रहती है। इस घर में स्विमिंग पूल, सिनेमा लाइब्रेरी के अलावा प्राइवेट चिड़ियाघर भी है।
अगर आप कभी भी दुबई के शेख के घर जाएंगे तो उस चिड़ियाघर में उनके बच्चों को चीता के साथ खेलते हुए पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सब के अलावा दुबई के प्रिंस ने फ्रांस में भी एक बहुत बड़ा महल खरीद रखा है, जहाँ वो अक्सर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। याच एंड प्राइवेट जेट। अब हम बात करेंगे मुकेश अंबानी और दुबई के शेख के पास मौजूद प्राइवेट जेट्स और याट्स के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने पिछले ही साल 400 करोड़ की लग्जरी यॉट अपनी पत्नी नीता अंबानी को गिफ्ट की है। और इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास एक और बेहतरीन यॉट मौजूद है, जो उसने अपने बेटे के लिए ली थी। ये दोनों ही यॉट्स इतनी बेहतरीन हैं कि 50 से अधिक लोग उसमें अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर दुबई के शेखों की, तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की प्राइवेट यॉट मौजूद है, जो दुनिया की सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। इसके अंदर ऐशो आराम की ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो दुनिया भर के 5-स्टार होटल्स में भी देखने को नहीं मिलती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यॉट में करीब 24 कमरे तो सिर्फ और सिर्फ नौकरों के रहने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा इनके पास $400 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए का एक यॉट है, जिसे दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। और इस यॉट में 45 मेहमान आराम से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा इसमें 90 नौकरों के कमरे भी हैं, जो कि पानी में तैरते इस 4000 करोड़ रुपए के महल की देखभाल करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास ऐसी दो और लग्जूरियस यॉट्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। वहीं अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के पास मौजूद प्राइवेट जेट की, तो मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं, जिनमें से एक 230 करोड़ रुपयों का एयरबस A319 प्राइवेट जेट है, जो कि इन्होंने नीता अंबानी की बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास बोइंग बिजनेस प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत 535 करोड़ रुपए है। और साथ ही उनके पास है फॉकन नाम का X900 प्राइवेट जेट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दुबई के शेखों की बात कर लें, तो उनके पास एयरबस A380 नाम की प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 3650 करोड़ रुपए के बराबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के शेख के पास मौजूद ये हवाई जहाज दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट है। शेख के पास मौजूद इस प्राइवेट जेट को द फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस जहाज के अंदर ऐशो आराम की ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो किसी भी बड़े से बड़े महल में देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ दुबई प्रिंस के पास $220 मिलियन की बोइंग 747 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है। लग्जरी पार्टीज। अब हम बात करते हैं इन दोनों करोड़पतियों के द्वारा की जाने वाली छोटी और बड़ी पार्टीज के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी की बेटी, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी की बेटी ने अपनी शादी के दिन जो ड्रेस पहना था, उस ड्रेस की कीमत 90 करोड़ रुपए थी। अमीर से अमीर लोग भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना अधिक पैसा नहीं कमा पाते हैं। और उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर जो कार्ड छपवाए थे, उस हर एक कार्ड की कीमत 5 लाख रुपए थी। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी के बर्थडे पर 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। महज एक बर्थडे पार्टी में ही अपने मेहमानों को बुलाने के लिए मुकेश अंबानी ने 30 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन बुक कर रखे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर दुबई के शेखों की पार्टी की बात करें, तो उनकी पार्टी भी किसी से कम नहीं होती। और उनके यहाँ तो शादी की पार्टी हफ्तों तक चलती रहती है, और उस पार्टी में वे दुनिया के हर अमीर से अमीर इंसान को बुलाते हैं। और उसमें भी हैरानी की बात तो ये है कि वो पार्टी में आए हुए मेहमानों को महंगे से महंगे कार्स को भी गिफ्ट के तौर पर देते हैं। दुबई के शेखों की पार्टी में दुनिया की हर वो चीज मौजूद होती है जो कि आप कल्पना कर सकते हैं। लग्जूरियस गेस्ट। अब इन दोनों की ही पार्टी में आने वाले मेहमानों की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ तो आप सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी के घर पर अगर छोटी से छोटी पार्टी भी होती है, तो बॉलीवुड का हर एक शख्स उनके घर पर मौजूद होता है, चाहे वो बॉलीवुड का दबंग हो या फिर बॉलीवुड का महानायक। हर कोई मुकेश अंबानी के घर पर ही दिखाई देता है, और अंबानी अपने घर पर आने वाले इन मेहमानों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाता है। वहीं अगर हम बात करें दुबई के शेखों की, तो उनके यहाँ पर भी दुनिया के बड़े से बड़े अभिनेता और सितारे आते रहते हैं। दरअसल वो अपने घर पर किसी अभिनेता या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए इतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई मना ही नहीं कर पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में उन्होंने फ्रांस की एक अभिनेत्री को अपने घर पर मिलने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए थे।
इन सब के अलावा एक तरफ मुकेश अंबानी जहां हर साल सिर्फ अपनी सुरक्षा के पीछे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेखों के पास पैसों की इतनी गर्मी है कि कार से लेकर टॉयलेट करने वाले कमोड तक सोने की बनवा रखी उन्होंने। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि एक तरफ मेहनत के दम पर अपने बिजनेस से पैसा कमाने वाले मुकेश अंबानी हैं, तो दूसरी तरफ तेल बेचकर पैसा कमाने वाले दुबई के शेख। और अब इन दोनों की लग्जूरियस जिंदगी को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है। वैसे आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ही ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाता रहता है। देखने के लिए शुक्रिया।